जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है और आप लोग यह जरूर जानते होंगे कि जब भी ग्रहण लगता है तो सभी राशियों में ग्रहण का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही होता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, ग्रहण से कुछ राशियों को तो लाभ होता है परंतु कुछ राशियों के लोगों को नुकसान भी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को लाभ होगा एवं किन राशियों को नुकसान होगा और ग्रहण के कारण होने वाले नुकसान या प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। इन सभी विषयों पर आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरी जानकारी को प्राप्त करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। 20 अप्रैल के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 7:05 से दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में केवल आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा परंतु इसका असर सभी राशियों में पड़ेगा। दोस्तों, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता। जब भी सूर्य ग्रहण होता है और उस समय शनि वक्र अवस्था में नहीं है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी राशियों को देखते हैं कि किस राशि में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। पहला, मेष राशि। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य इस राशि में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ग्रहण लगने से लेकर अगले 45 दिनों तक स्वास्थ्य से लेकर चिंता हो सकती है। अब आइए दोस्तों, यह जान लेते हैं कि मेष राशि में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों, हिंदी अक्षर की आ, ला और ई, अंग्रेजी अक्षर की ए, एल, आई नाम वाले सभी लोगों की राशि मेष राशि होती है। इसके अतिरिक्त यदि आप विवाहित हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को भी लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, पंचम स्थान संतान का भाव होता है, इसीलिए आपके संतान को भी लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अतः अपने बच्चों के सेहत को भी लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के बाद 45 दिनों तक सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना लाभप्रद रहेगा, क्योंकि सूर्य देव स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। सूर्य से ही सभी को ऊर्जा मिलती है जो स्वास्थ्य के संचार को बढ़ाती है। दूसरा, वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है जो अनिद्रा का भाव होता है और यहीं से खर्चा भी आता है। दोस्तों, जब भी 12वें भाव में ग्रहण लगता है तो 6वें भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ती है, जिससे रोग, ऋण और शत्रु बढ़ते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण लगने के बाद आप किसी को कर्ज देने से बचें। अगर आप कुछ बड़ी वस्तु खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 45 दिनों के बाद खरीदारी करें, जो आपके लिए शुभ रहेगा। अब आइए यह जानते हैं कि वृष राशि में किस अक्षर के नाम आते हैं। तो दोस्तों, हिंदी अक्षर में बा, वा, उ तथा अंग्रेजी अक्षर में बी, वी और यू नाम के शब्द आते हैं। तीसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि में का, छा, की और घा नाम के व्यक्ति आते हैं। अंग्रेजी शब्द में के, सी एच या जी एच। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए सूर्य 11वें भाव में गोचर करेगा। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, इसलिए यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन में थोड़ा सा अधिक वक्त लग सकता है। मिथुन राशि में सूर्य 3रे भाव के स्वामी बनते हैं,
और तीसरा भाव साहस का भाव होता है। चौथा है कर्क राशि। कर्क राशि में हिंदी अक्षर के डा हा ही हे के नाम आते हैं और अंग्रेजी में डी और एच से शुरू होने वाले नाम आते हैं। कर्क राशि वालों के दसम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है और दसवां भाव आपके पिता का भाव होता है, इसीलिए हो सकता है कि कार्यस्थल में आपका किसी के साथ मतभेद हो जाए। कर्क राशि में सूर्य दसम भाव में बैठेगा तो चौथे भाव को देखेगा। ऐसे में यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो ग्रहण लगने के 45 दिनों के बाद वाहन खरीदें, जो आपके लिए शुभ रहेगा। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। पांचवा सिंह राशि। सिंह राशि में हिंदी अक्षर माँ या टा तथा अंग्रेजी अक्षर यम और टी से शुरू होने वाले अक्षर आते हैं। दोस्तों, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और अपने राशि के स्वामी को ही ग्रहण लग रहा है, इसलिए किसी भी कार्य को आप करते हैं तो आपके काम के अनुसार आपको फल मिलने वाला नहीं है। आपको अपने काम में अड़चन देखने को मिल सकती है। सिंह राशि में केतु भी विराजमान है, इसीलिए आपके भाई को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। छठवां है कन्या राशि। कन्या राशि में नाम के पहले अक्षर पा ठा याड़ा तथा अंग्रेजी में पी और टी एच से शुरू होते हैं। उनकी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि में सूर्य बारहवें भाव के स्वामी बनेंगे और यदि बारहवें भाव का स्वामी ग्रहण में चला जाए और अष्टम भाव में सूर्य का चले जाना अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव में आयु और दुर्घटना को देखा जाता है। कन्या राशि में दूसरा भाव मार्ग केस का होता है। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो वाहन को धीरे चलाएं ताकि कोई दुर्घटना की संभावना ना बने। कन्या राशि के दूसरे भाव में केतु भी विराजमान है तो यहाँ पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ सकती है, जिससे आपके सेहत में भी कुछ असर पड़ सकता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज ना करें बल्कि बीमारी की स्थिति दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अन्यथा बीमारी लंबे समय तक चल सकती है। सातवां है तुला राशि। तुला राशि में हिंदी अक्षर के रा और ता तथा अंग्रेजी अक्षर में आर और टी वाले नाम आते हैं। तुला राशि वाले जातकों के राशि में सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है। तुला राशि में सूर्य एक ग्यारहवें भाव के मालिक बनते हैं। इस राशि में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपकी आय कुछ प्रभावित हो सकती है। तुला राशि वाले अपने जीवन साथी और स्वयं के सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आठवां है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वह व्यक्ति आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ना मा या अथवा ये से शुरू होता है। अंग्रेजी में यम या वाई से शुरू होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में छठवें भाव पर सूर्य ग्रहण लग रहा है और छठा भाव रोग ऋण तथा शत्रु का भाव है, इसलिए किसी के भी कार्य में अपनी टांग ना अड़ाएं। 20 अप्रैल से लेकर अगले 45 दिनों तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको कुछ परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप पहले से ही कुछ प्लानिंग बनाएं। नौवां धनु राशि। धनु राशि में उस व्यक्ति के नाम आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर भा धा फा या टा से शुरू होता है और अंग्रेजी में बी एच डी एच अथवा एफ से शुरू होता है। धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहण पंचम भाव में लगेगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव होता है। इसलिए यदि आप गर्भवती हैं या आपके पास छोटा बच्चा है तो दोनों ही परिस्थिति में आप संभल कर रहें। धनु राशि में सूर्य की दृष्टि भी आय के स्थान पर
ऊपर जा रही है तो आपके कमाई में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। धार्मिक यात्रा करते समय धनु राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए। दसवां है मकर राशि। मकर राशि के जातकों का पहला अक्षर ख और ज, अंग्रेजी में के एच एवं जे से शुरू होता है। मकर राशि के चौथे भाव में ग्रहण लगेगा, इसलिए यदि आप वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए यह टाल दें। आपके माँ की सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और यदि सिंह राशि अष्टम भाव में आएगी तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना चाहिए। ग्यारहवां राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के नाम का पहला अक्षर हिंदी में ग और सा आता है तथा अंग्रेजी में जी, यस एच और यस है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है। कुंभ राशि में सप्तम भाव के साथ तीसरे भाव में भी ग्रहण लगेगा, इसलिए आप अपने छोटे भाई के सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ग्रहण लगने के बाद आपको मेहनत के बदले उसके मुताबिक फल देखने को नहीं मिलेगा। बारहवां और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के नाम का पहला अक्षर हिंदी में दा, चा, झा और दा से शुरू होता है और अंग्रेजी में डी, सी एच, जे एच, टी एच से शुरू होते हैं। मीन राशि में सूर्य ग्रहण दूसरे भाव में लगेगा और दूसरा भाव में खान पान और धन को देखा जाता है, इसलिए मीन राशि वालों को ग्रहण के बाद थोड़ा सा धन की हानि हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी 12 राशियों के सावधान रहने की बात हमने आपको बताया और किन राशियों में कहाँ कहाँ नुकसान होगा इसके बारे में भी आपने जाना। अब अगली वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रहण लगने से किन किन राशियों के जातकों को लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आप चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।